क्यों? आखिरी बार, और अगर दोबारा भारती के कद को लेके आपने उसकी बेइज्जती की ना, तो सारे बंधन, सारे रिश्ते नाते, सारे इज्जत लिहाज सब कुछ भूल भुला के हम वो कर बैठेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, समझिए आप। और आप बड़े भाई हैं हमारे, समझदार हैं, जो कुछ कहा है हमने उसे जरा ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करना, कम से कम आपसे उम्मीद रखते हैं हम। समझते हैं आपको हमारे लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन अभी जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। अब भैया और भाभी से इतनी चुपती हुई बात कह रही, और तुमने ऐसी कितनी चुपती हुई बातें सही है भारती, बताओ। हाँ मुरली जी, लेकिन उनसे घर में कोई दरार नहीं आ रही थी। आपके आज के बर्ताव से हो सकता है भैया और भाभी के मन में खटास पैदा हो जाए। आप शांत हो जाइए, चलिए चलिए वहां बैठते हैं, आइए हम कुछ कह रहे ना, आइए। जब हम परिवार में रहते हैं तो हम सिर्फ अपनी भावनाओं में नहीं बह सकते, अपने सारे सुख दुख, अपने मान सम्मान हमेशा हमें रिश्तों के नीचे रखने पड़ते हैं। परिवार से बड़ा परिवार का कोई इंसान तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि परिवार हमेशा सबके साथ रहने से बनता है, घर खुद को भूलकर सबको याद रखने से चलता है, वरना तो सिर्फ हम चलते जाते और हमारा परिवार पीछे छूटता जाता है। शायद तुम सही कह रही हो भारती, हमें भी ऐसा लग रहा है कि आज हमारा गुस्सा हम पे हावी हो गया और अपने गुस्से में काफी कुछ कह गए भैया और भाभी से, लेकिन भारती और हम क्या करें, भारती क्या करें हम, जब तुम्हें किसी तकलीफ में देखते हमसे नहीं रहा जाता, तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ दुख परेशानी इन सबसे दूर रखना चाहते हैं, और जब जब ये नहीं हो पाता तो हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारी इतनी फिक्र करते हैं, लेकिन मुरली जी हम चाहते हैं कि आप जब भी हमारे बारे में कुछ सोचें साथ में परिवार को ध्यान में रख के सोचें। हमारी सबसे बड़ी खुशी हमारा परिवार है मुरली जी, अगर इनमें से किसी को भी दुख पहुंचा तो आपके लाख कोशिश करने पर भी हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ध्यान रखेंगे ना इस बात का मुरली जी। और जो हुआ उसे भूल जाए, अब दोबारा उस बात को हम कभी नहीं छेड़ेंगे, खास करके मृदंग भैया के सामने ऐसे जाइए जैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उनके लिए आपके मन में कोई शिकायत नहीं है। तो हम नहीं जानते हम क्या करते, हम कैसे संभालते अपने आप को। अच्छा चलिए, अब रात बहुत हो गई है ना, सो जाते हैं। Thank you.
चाहिए का? मत मारी गई थी हमारी, जो इस घर के बारे में कुछ करने का सोचा भी हमने, पर हम भी कहा करें जी, हमारा भी तो जी टूटता है ना हमारी वीनो के लिए। इसलिए भारती से कहा था हमने कि तेरे सामने आने से बात बिगड़ सकती है, लेकिन नहीं कहना चाहिए था हमको, एकदम चुप रहना चाहिए था। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि हमने जो कुछ भी किया वो केवल परिवार की भलाई के लिए किया। देवर जी ने उल्टा मतलब ही निकाला ना हमारी बात का। बस बाबा बस, अब तो राम जी की भांजी ने जीप काट लिया अपनी। हाँ अब तो चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना, आपको इस सब की वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा ना, हमें हमें बहुत बुरा लगा। लेकिन आज आज मुरली ने साबित कर दिया कि इस घर का बेटा आपका भाई होने से पहले भारती का पति है वो। चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा भारती की वकालत ही करेगा, और घर वाले